सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही कमाल का है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे अपना फ़ोटो कैसे लगाते हैं, वॉलपेपर कैसे सेट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे अपना फ़ोटो लगा करके किसी को भी चौंका सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। यदि इन सभी के बारे में आपको जानना है, सीखना है, तो इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है बिना स्किप्ट किए लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्या। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप व्हाट्सएप ओपन कर लीजिएगा और जो भी आप व्हाट्सएप से चैट किए हैं ये सारे चैट को आप सबसे पहले बैकअप बना लीजिएगा। बैकअप बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप तीन डॉट पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस चैट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप चैट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं चैट बैकअप। यहाँ से आपको क्या करना है, चैट का जो भी है बैकअप ले लेंगे। तो यहाँ पे बैकअप पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप जो भी चैट किए हैं उसका बैकअप आपके फ़ोन मेमोरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो व्हाट्सएप है इसे आपको रिमूव कर देना है इस एंड्रॉयड फ़ोन से। इस ऐप को, इस व्हाट्सएप को आपको रिमूव कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्या करना है, उस फाइल को आपको इंस्टॉल कर देना है। और जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ फिर आपको क्या करना है कि जो व्हाट्सएप है उसे आपको वेरीफाई करना है। OTP के बाद माध्यम से जब आप वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर व्हाट्सएप को आपको ओपन करना है। जब व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे, दोस्तों हमने भी बैकअप बना करके इस व्हाट्सएप को रिमूव करके दोबारा ये फाइल अपलोड किए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो लगाना है। दोस्तों मान लीजिए इसमें हमें फ़ोटो लगाना है, इस व्हाट्सएप के होम बैकग्राउंड में यदि फ़ोटो लगाना है तो फिर हमें क्या करना है, तीन डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्ड मोड्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक सेटिंग मिलेगा यूनिवर्सल का। इस यूनिवर्सल वाले सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। जब से इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन कलर पे आपको सेलेक्ट करना है, कलर वाले पे क्लिक करना है। जैसे कलर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों हमें क्या करना है, फ़ोटो लगाना है व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। और जैसे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाले पे फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब फ़ोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो मेरे गैलरी का जो भी फ़ोटो है वो सारा कुछ यहाँ पे शो करने लगेगा। तो दोस्तों हमें मान लीजिए कोई भी फ़ोटो जो भी हमें अच्छा लगता है उस फ़ोटो को यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे दिखाने लगेगा और नीचे कैंसिल और सेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सेट पे क्लिक कर देना है। और जैसे सेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा फ़ोटो है वो बैकग्राउंड में आकर के लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा व्हाट्सएप का बैकग्राउंड है, होम बैकग्राउंड है, वो वहाँ पर फ़ोटो आ करके लग गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जैसा भी लगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों हम हर रोज़ इसी प्रकार के वीडियो टेक्नोलॉजी से संबंधित, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट के बारे में बताते रहता हूं। यदि इन सभी के बारे में जानना है, सीखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है, जो घंटी का आइकन है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि पर डे जो भी हम वीडियो बनाएंगे और YouTube पे जैसे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।